हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग CITS लेटेस्ट अपडेट के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप भी CITS इंट्रेंस एग्जाम 2022 का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है और अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपकी सेंटर कहाँ जाने वाला है वो पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए CITS से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सक्सेस करियर सर्च करना है। ठीक है, सक्सेस करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ से सर्च करेंगे तो और आपको यहाँ पे देखिए सारे CITS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड, अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्राइवेट जॉब तथा एडमिशन और एंसर की मॉक टेस्ट सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको नीचे की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पे देखिए एंसर की मॉक टेस्ट कट ऑफ और ठीक है इसके थोड़ी ऊपर यहाँ पे न्यूज अपडेट में आपको चले जाना है। ठीक है, जहाँ पे ये न्यूज अपडेट में आपको ITI और CITS से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलेंगे। जहाँ पे आपको देखिए CITS इंट्रेंस एग्जाम सेंटर 2022 की लिस्ट आपको पता चलेगा और साथ में ये भी डिस्कस होगा कि आपका सेंटर कहाँ है। और साथ में देखिए यहाँ पे यदि ये भी आपने नहीं देखा है CITI सेशन 2022-23 यानी कि जो आप एग्जाम देने वाले हैं इंट्रेंस एग्जाम का, ये कब से शुरू हो जाएगा, कब आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा कॉलेज घर से आपको कॉलेज के लिए, ये सभी डिटेल आप इस वीडियो में है, कब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम सेंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको CITS इंट्रेंस एग्जाम सेंटर 2022 पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। CITS इंट्रेंस एग्जाम आपका सेंटर कहाँ रहेगा, एग्जाम सिटी सेंटर यहाँ पे बताया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट आपसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है तो इसके बारे में डिस्कस मुझे नहीं करना है। मैं बस डायरेक्टली CITS इंट्रेंस एग्जाम डिस्ट्रिक्ट पे चलता हूँ और उसके बाद आपसे बताऊँगा कि आपका सेंटर कहाँ रहने वाला है। जैसे आपने देखिए टोटल इस बार CITS 2022 में, ठीक है, CITS 2022 में टोटल 40 सेंटर बनने वाला है। हालांकि पिछली साल CITS 2021 में जो सेंटर बना था वो 28 जगह पे सेंटर बना था, इस बार 12 सेंटर बढ़ा दिया गया है, वो 12 सेंटर भी इसी में इंक्लूड है। देखिए जो CITS का सेंटर बनेगा वो अगरतला, एजवाल, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कैलिकट, चेन्नई, दादरा एवं नागर हवेली, देहरादून, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, गुवाहाटी, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, जम्मू, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कवारटी, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, पुडुचेरी, राजपुरा, शिमला, श्रीनगर, त्रिची, त्रिवेंद्रम और तुरा और वडोदरा और विजाग और विजयवाड़ा, ये 40 जगह हैं जहाँ पे आपका सेंटर बनने वाला है। अब देखिए आपका सेंटर कहाँ बनेगा इसमें से, जैसे मान लीजिए कि आपने चार, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको चार सेंटर चूज करना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ, आप अपना सेंटर कैसे चेक करेंगे, सेंटर के लिए आपका सेंटर कहाँ पड़ सकता है उसको मैं आसानी से समझाऊंगा। आप नीचे दिए गए लिंक पे आइएगा, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपसे कैप्चा मांगेगा यहाँ पे, तो कैप्चा भी डाल देना है 922-77, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो चलिए इन सबको मैं डाल दे रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने लगेगा और यहाँ पे आपका दिखाएगा अप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली। अगर आपका कहीं इसमें प्रॉब्लम है, सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में जो बता रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या लिखना है आपको वो मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको एडिट नहीं करना है, बस देखना है आप कहाँ कहाँ डाले हुए हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे यू हैव ऑप्टेड योर ट्रेड दिखाई देगा, आपने किसके लिए, किस ट्रेड के लिए चूज किया है और एग्जाम सेंटर आपने कहां कहां फिल किया है। तो चार सेंटर आपने चूज किया होगा, जैसे पहला कानपुर मैंने चूज किया है, दूसरा नोएडा, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लुधियाना। ठीक है, अब देखिए ये चार जगह में सेंटर आपका सबसे पहले सेंटर जाने का चांस रहेगा, वो सबसे पहला जो चॉइस रहेगा, जैसे कानपुर है तो कानपुर, अगर आपने फॉर्म पहले भरा होगा तो आपको कानपुर मिल जाएगा। अगर कानपुर में जितने कंप्यूटर हैं, जितने ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर वो उनसे अधिक हो जा रहा है स्टूडेंट, तो अगर आप कानपुर भरे रहेंगे तो जो दूसरा चॉइस होगा आपका वहाँ पे सेंटर पड़ेगा।
सबसे पहले प्रेफरेंस आपको पहले नंबर का दिया जाएगा, पहले नंबर पे जो आपका सेंटर होगा वहाँ पे होगा, अदरवाइज आपका उसमें नहीं मिल रहा है सीट तो दूसरे नंबर पे जो है चॉइस आपने सिटी किया होगा, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो मिल जाएगा। जैसे मेरी स्थिति में अगर मैं कानपुर सेलेक्ट किया हूँ तो पहले स्थिति में क्या है कि मुझे सबसे पहले कानपुर में सेंटर दिया जाएगा, अगर वहाँ लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, अगर मेरा सीट वहाँ नहीं मिल पाता है तो दूसरा पे मैंने नोएडा भरा हुआ है उस नोएडा में मिल जाएगा। यही दो चांस में होता है, पहले या दूसरा मिल जाए। तीसरी स्थिति तब आती है जब मुझे कानपुर में भी सीट नहीं मिल पाया है और एग्ज़ाम सिटी नोएडा में भी नहीं मिल पाया है, तो तीसरे नंबर पर मैंने इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डाला हुआ है, तो मेरा सेंटर कहाँ पड़ सकता है, इलाहाबाद में पड़ सकता है। और चौथी स्थिति तब आती है जब तीसरे जगह भी नहीं मिल पाता, तो चौथे जैसे लुधियाना मैंने डाला हुआ है तो वैसे आपको लुधियाना मिलेगा। तो इस तरह आप भी अपना चेक कर लीजिएगा और चारों आपने क्या क्या चूज किया है एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह के CITS से सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली रेगुलर मोड में विजिट करते रहिए। साथ में आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता या एडमिशन के बाद भी ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए।